okay let us start <coughs> with these type of questions they are basically easy so I have chosen deliberately uh, the easy level questions first <coughs> uh, the first question says that a body starting from rest moves with an acceleration of one meter per second square for five seconds Let's find the final velocity and the total distance traveled question simple like body hai, ek object key जो रेस्ट पे स्टार्ट हो रहा है बेसिकली इफ दिस इज एन ऑब्जेक्ट सही फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑब्जेक्ट इज फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट हुई जीरोसिटी बिकम्स वी सही फॉर एग्जाम्पल एंड इट सेकेंड्स मतलब पहले जब यह स्टार्ट करता है ना तब रेस्ट से स्टार्ट करता है और पाँच सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हमको ढूंढनी है तो वेलोसिटी क्या होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए तो दैट इज यू तो जीरो है एक्सेलरेशन हमें दिया गया है वन और ये है फाइव तो दैट इज फाइव मीटर पर सेकंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी राइट और हमें साथ साथ में क्या निकालना है हमें साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट भी कहा गया है निकालने को तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे इजी इक्वेशन क्या रहती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ओकेट मे राइटर हिम्मक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर सो u इज जीरो टी इज फाइव प्लस वन हाफ ऑफ ए इज वन एंड टी इज फाइव स्क्वायर To solo all these things, you will get 12.5. 12.5 meter. This is the displacement. Simple sa question. Upko final velocity or final displacement. Hai. Okay, now moving to question number two. It says that a body starts from rest again, same question, and finally reaches point A with the velocity of 15 meter per second. Say, for example, there is an object here. which is starting from rest means its velocity is zero meter per second. Okay, then after some time, after some time iski velocity ban jati hai 15 meter per second. पहले ये मान लो point A पे था और ये पहुंच गया point B तक. If the distance between A to B is 20, अगर A से B तक 20 meter की distance है तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक्सलरेशन निकालनी है देखो बेटा यू दिया गया है दिस विल बी वी फाइनल और एस भी दिया गया है तो हम ये वाली फार्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्ल टू टू एस वी विल बी फिफ्टीन स्क्वायर यू जीरो हमें पता नहीं और एस का मतलब यहाँ पे ट्वेंटी है तो दिस विल बी टू टू फाइव डिवाइडेड बाई टू इन टू ट्वेंटी दैट फोर्टी और ये है ए तो ए का वैल्यू जब आप निकालोगे इट विल बी टू टू फाइव को डिवाइड करेंगे हम लोग फोर्टी uh, से ठीक okay, ठीक 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 ओके okay, तो आप यहां से देखो फिर कितनी आएगी के आसपास मीटर पर आई आएगा सिक्स पॉइंट समथिंग आना चाहिए ठीक है चलो सिक्स पॉइंट एट एनी वेज दैट यू कैन कैलकुलेट दैट ओके सो दिस विल बी द एक्सरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन We have this one. It's question number three. It says that a car is moving with the speed of 20 meter per second. There is a car which is moving with the speed of 20 meter per second and is brought to rest in four seconds. And then it comes into rest after four seconds. Okay. See here what is here. A car is moving with the speed of 20. So initial speed is key 20 meter per second. Hai. Uske baad it is brought to rest. Matla final velocity is zero. Hai. बहुत लो लेवल के क्वेश्चन हैं इन टाइम फोर सेकंड्स फोर सेकंड्स टाइम के अंदर ठीक है ना अब आपको निकालने तो आप के लिए सीधा फॉर्मूलाई टी इज फोर दैट्स माइनस फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये नेगेटिव क्यों आया क्योंकि रिटार्डेशन है अब चलो आपके पास एक्सलरेशन भी आ गई अब क्या रहा है टोटल डिस्टेंस निकालो टाइम है आपके पास तो फॉर्मूला निकाल सकते हो यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर तो इट विल बी यू आपके पास पता है यू इज इनिशियल वेलोसिटी इज ट्वेंटी और टी आपके पास है फोर हाफ ऑफ ए अभी अभी आपने निकाला है माइनस फाइव एंड टी आपके पास है फोर स्क्वायर तो सारी कैलकुलेशंस कर लो यू विल गेट फोर्टी मीटर फोर्टी मीटर ओके दैट्स एब्सोल्युटली फाइन राइट सो या आप एक और वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है वहां से अभी आपको जो है ना वो निकल सकती है कि जो भी रिलेशन है ठीक है ना जो भी डिस्टेंस है लेकिन एक और चीज़ है देखो बेटा आई कैन डू इट इन सम अदर मैनर और आई कैन से इन सम समेस्टिकेटेड मैनर सी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या है यहाँ पे वी प्लस यू डिवाइड बाई टू तो वी इज ट्वेंटी

ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है find the maximum positive displacement. आपको देखनी है है? है इस particle की, ठीक बेटा, ये particle तो accelerate कर रहा फ्रंट वाली डायरेक्शन में मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो ना स्पीड है वो आगे वाली डायरेक्शन में ऐसे करके स्पीड आगे है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है दिस इज एक्सेलरेशन दिस इज स्पीड तो ये वही केस हो गया जैसे कोई आगे मूव कर रहा है और आपने पीछे की तरफ उसको पुल किया हुआ है ठीक तो होगा क्या क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रही है देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट है ठीक है आगे जा रहा है विद वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकंड और पीछे की तरफ कंस्टेंटली एक पुल एक्सेलरेशन का लग रहा है टू मीटर पर सेकंड तो क्या होगा आप एक्सपेक्ट करोगे कि इसकी एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी जो है ना धीरे धीरे कम हो जाएगी और मान के चलो जब ये यहाँ पे पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई होनी भी चाहिए क्योंकि पीछे से आप ड्रैग कर रहे हो खींच रहे हो ठीक है तो होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल बेचारा रुक जाएगा ठीक अब देखो बेटा इनिशियल कितनी है वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकंड ओके सर फाइनल क्या है जीरो मीटर पर सेकेंड ओके एक्सरेशन क्या है ट्वेंटी टू है कि ट्वेंटी है? टू, है, टू है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन रुको रुको पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा उसके ऑपोजिट में लग रही है तो नेगेटिव आएगा तो वी वी कैन देन अप्लाई द इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यहां से निकलो ट्वेंटी के बाद ये पार्टिकल रुक जाएगा ओके बिल्कुल ट्वेंटी फाइव मीटर के बाद रुक जाएगा अच्छा तो ये आंसर है इसका अच्छा अगर मैं एक और पार्ट इसमें जोड़ दू फॉर माय कन्वीनियंस ना फॉर माय कन्वीनियंस आई एम सोइंग दैट लेट अस सपोज क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द टाइम इन विच दिस पार्टिकल विल स्टॉप फाइंड द टाइम इन विच इट विल स्टॉप इन विच पार्टिकल स्टॉप है कि नहीं कितने टाइम के बाद पार्टिकल रुक जाएगा ठीक तो इसको कैसे करेंगे आप लोग ठीक है देखो बेटा बहुत सारे तरीके हैं ऐसा नहीं है एक है v U A, t वाला तरीका सबसे इजी है v प्लस uh, और t आपको निकालना है तो यहां से देख लो ये माइनस टेन यहां जाएगा तो यहां से माइनस टू टी इज इक्वल टू फाइव पांच सेकेंड के बाद ये पार्टिकल रुक जाएगा ऐसे आप कर सकते हो ठीक है ना या s इज इक्वल टू यू टी वाला फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है ठीक है तो यू कैन जस्ट से दैट की सर इसमें बहुत सारी यू ना फार्मूलाज एप्लीकेबल कर सकते हैं देन वी कैन फाइंड आउट दैट आंसर ओके अगर मैं ऐसे पूछूँ आपसे से फॉर एग्जाम्पल आई हैव आस्कर्ड इट दिस वे आई गेस कि ये तो आप बताओगे फाइंड टाइम इन विच पार्टिकल क्रॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर मीटर पार्टिकल कब इस एक्स इज माइनस फोर मीटर को क्रॉस करेगा इसका मतलब आप समझ समझते हो कि एक्सल माइनस फोर मीटर क्रॉस करने का मतलब क्या है देखो जब आप इस पार्टिकल को पीछे इस पर्सन इस को आप पीछे की तरफ ड्रैग करोगे तो क्या होगा एक टाइम आ जाएगा कि ये पर्सन रुक जाएगा है ना चले एक एक सेकंड एक सेकंड लेट मी शो यू ऑन सम अदर स्क्रीन दिस थिंग इज अ फैंटास्टिक थिंग ओके कैन जस्ट सी इट से फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्सन जिसे आप आगे ले जा रहे हो जिसकी वेलोसिटी अभी आपने बोली आगे टेन मीटर पर सेकंड है और पीछे से इस पे एक एक्सेलेशन लग रहा है टू मीटर पर सेकंड जो पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा है इसको ओके तो ये जब पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा है ना तो ये ट्रैक है मान के चलो एंड दिस इज द दिजन दिस इज द ऑरिजिन और अभी आपने कहा कि जब सर ये ट्वेंटी फाइव मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा मतलब यहां से यहां जब ये ट्वेंटी फाइव मीटर करेगा कवर तो जैसे ही ये बंदा यहां पे पहुंच जाएगा 24 मीटर कवर कर लेगा 25 मीटर कवर कर लेगा सर ये ये पर्सन रुक जाएगा इट विल कम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी थी ये उसके बाद फाइनल जीरो हो गई ठीक है क्योंकि पीछे की तरफ कंस्टेंटली एक ड्रैग लग रहा है ना उस ड्रैग की वजह से ये पार्टिकल रुक जाएगा ठीक ये बंदा जो है वो रुक जाएगा अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने टाइम के बाद ये बंदा एक्स इज इक्वल टू तो माइनस फोर को क्रॉस करेगा माइनस फोर मतलब ये ओरिजिन है ना एक्सिकोट माइनस फोर इस वाले डायरेक्शन में होगा यहाँ कहीं पे मान के चलो यहां पर है ठीक है तो समझ आई आपको करना क्या है आपको इस बंदे को खेच एक्सरेशन पीछे लग रही है ना खेंच के खेचते खींचते खेचते खींचते आपको इसको यहां लेके आना है ठीक है ना तो क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम के बाद ये यह बंदा यहाँ आ जाएगा देखो बेटा फिर से समझाता हूँ करेगा क्या ये बंदा करेगा क्या पहले यहां से स्टार्ट करेगा यहाँ जाएगा ठीक है ओके सर फिर होगा क्या फिर होगा ये कि वहां से वापस आएगा ठीक है लेकिन ओरिजिन पे रुकेगा नहीं चलता 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 यहां पहुंच जाएगा तो कितने टाइम के बाद वहां पहुंचेगा ये आपका सवाल है बहुत मतलब सोचा समझा गया एक तीखा क्वेश्चन है बहुत सिंपल ठीक है आराम से देखो क्या करना है इसमें ठीक है बेटा <coughs> मुझे बोलो

सर v इज ज़ीरो ओके बेटा सर एक्सलेशन इज माइनस टू ओ से लेके ए तक पर सेकंड स्क्वायर टाइम कितना लगेगा सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ओके बेटा जीरो यू इज टेन प्लस ए इज माइनस टू और टाइम इज टी तो सर यहाँ पे टी निकलेगा पाँच सेकंड मतलब पाँच सेकंड में ये ओ से ए तक जाएगा ठीक है बेटा ए से बताओ वापस ओ कितने टाइम में आएगा अब इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएगी ज़ीरो अरे वापिस, आ ना। वापिस आएगा तो बनेगी? जीरो, और फाइनल बनेगी? टेन पर सेकंड। और अब भी जा रहा है तो फिर ये टाइम अगर ये टी वन था इस टाइम टी टू को निकालो देखो कितना है फिर करो आप काम ओ से लेके बी तक निकाल लो ठीक है सारी चीजें ठीक तो सिंपल है तीनों केसेस आपको पता चल जाएंगे टोटल टाइम आपको पता चल जाएगा ठीक है बट बट आई 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 एम गिविंग दिस प्रॉब्लम यू एज अ चैलेंज ओके सॉल्व इट क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि करेगा क्या ये पर्सन वापस कितनी देर में आ जाएगा ये ठीक है दैट्स बेसिकली आई कैन से ग्रेट चैलेंज फॉर यू ऑल कि कितने टाइम के बाद ये वापस आ जाएगा ओके सो आई गेस कि आप लोग इसको आराम से बैठ के सॉल्व कर लोगे ठीक है एंड फाइंड आउट सम सॉर्ट ऑफ वट वी कैन सी सिंपल मैथड काइंडली फाइंड आउट दिम्पल मैथड सिंपलेस्ट वे टू सॉलो इट ठीक है जैसे मैंने ये बोला ये भी एक तरीका है आप किसी और तरीके से ट्राई करो ठीक है एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मैथड इन विच वी कैन फाइंड आउट दिस दिस थिंक एक्स इज इक्ट माइनस फोर पर ये क्रॉस कब करेगा कितने टाइम के बाद करेगा ठीक है ना सो आई गेस वील बी स्टार्टिंग सम न्यू क्वेश्चन